हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2012 में आई एक अंडररेटेड सर्वाइवल हॉरर थ्रिलर एटीएम का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर हैं डेविड ब्रुक्स। मूवी का कॉन्सेप्ट काफी सही है, अगर आपको ऐसी मूवीज पसंद है तो आप इसे चेक कर सकते हो। वीडियो के एंड में मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताऊंगा इस मूवी से रिलेटेड। तो ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं डेविड नाम के एक स्टॉक ब्रोकर को, जिसने क्रिसमस के टाइम पर एक बूढ़े आदमी का $4,00,000 का नुकसान करा दिया और वो उसकी आखिरी सेविंग्स थी। वो आदमी इससे फोन पर लड़ रहा है, लेकिन ये भी क्या करे, इसका काम ही कुछ ऐसा है। आज इसके ऑफिस में पार्टी है, लेकिन ये तो घर जा रहा है। उसका फ्रेंड कोरी उसे काफी इंसिस्ट करता है, तब वो रुक जाता है क्योंकि वो अपनी कोवर्कर एमिली को लाइक करता है, लेकिन कह नहीं पाता। और आज इस ऑफिस में एमिली का आखिरी दिन है, कल से वो एक नई कंपनी ज्वाइन कर लेगी, इसलिए पार्टी उसका आखिरी चांस है। अगर आज नहीं बोल पाया तो फिर कभी नहीं बोल पाएगा। अब पार्टी में मौका देखकर वो एमिली के पास जाता है, लेकिन ठीक से बात नहीं कर पाता और एमिली का भी सेम यही हाल था। थोड़ी बहुत हाई हेलो करने के बाद वो चली जाती है, और तब डेविड को रियलाइज होता है कि वो कितना बड़ा बेवकूफ है। वो उसके पीछे जाता है उसकी हेड देने, जो कि उसकी थी भी नहीं। अब एमिली को टैक्सी नहीं मिल रही, इसलिए डेविड कहता है कि मैं तुम्हें अपनी कार में छोड़ दूंगा। हालांकि एमिली का घर काफी दूर है, लेकिन डेविड को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो सुनहरा मौका है। वो जल्दी से वापस अंदर जाता है हैट वापस रखने और अपने दोस्तों को बाय बोलने। तब कोरी, जो कि बहुत ज्यादा ड्रंक हो चुका था, कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। डेविड मना करता है, लेकिन वो नहीं मानता। तब डेविड के पास और कोई चारा नहीं बचता, वो उसे भी साथ ले लेता है। एमिली भी उसे देखकर हैरान थी, क्योंकि इन दोनों का टाइम खराब कर रहा है और रुकने का नाम नहीं ले रहा। वो कहता है कि मुझे भूख लगी है, इसलिए किसी रेस्टोरेंट पर रोक लेना, और उससे भी पहले रोकना एटीएम पर, क्योंकि मेरे पास पैसे भी नहीं है। डेविड सोच रहा था कि इसे साथ लाकर तो मैं भी फंस गया। एमिली अच्छी भली अपने घर जा रही थी, लेकिन अब इन दोनों के साथ भटक रही है। वो एक एटीएम पर रुकते हैं और कोरी अंदर जाता है, लेकिन अंदर जाकर वो डेविड को बुला रहा था। अब डेविड को भी जाना पड़ता है और उसके पीछे एमिली भी अंदर पहुंच जाती है। कोरी का कार्ड काम नहीं कर रहा, इसलिए अब डेविड अपने कार्ड से पैसे निकाल कर उसे देगा। ये सच में इनका टाइम खराब कर रहा है। खैर, पैसे निकाल कर वो तीनों वापस जा रहे थे, तभी वो देखते हैं कि बाहर एक आदमी खड़ा हुआ उन्हें घूर रहा था। वो रुक जाते हैं क्योंकि आसपास कोई भी नहीं था, और ये सब बहुत ज्यादा क्रीपी था। कोरी कहता है कि शायद वो एटीएम यूज करने आया होगा, लेकिन डेविड कहता है कि शायद वो कोई चोर है जिसे हमारे पैसे चाहिए। यही सबसे पहला ख्याल है जो हमारे मन में भी आता अगर हम ऐसा कुछ देखते। खैर, कोरी तो बाहर जा रहा था, लेकिन जैसे वो दरवाजा खोलता है, वो आदमी उसकी तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर वो और ज्यादा सहम गए थे, लेकिन अभी पूरी तरह टेरिफाइड होना बाकी है। एक और आदमी अपने डॉग के साथ वहां पर आता है, तो वो स्टॉकर सीधा जाकर उस पर अटैक कर देता है और बड़ी बेरहमी से उसका हेड क्रश करके उसे जान से मार देता है। यहाँ तो कन्फर्म हो गया कि उसके इरादे ठीक नहीं, और बाहर निकलना भी कोई अच्छा ऑप्शन नहीं होगा। सरेआम एक आदमी का मर्डर होते देख उन तीनों की हालत खराब हो गई थी। उन्हें पुलिस को कॉल करना था, लेकिन कोरी के पास फोन है नहीं, डेविड का फोन डेड है और एमिली का फोन है कार में। अब फोन तो वह नहीं कर सकते, इसलिए कोई पैनिक बटन ढूंढ रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ भी वहां पर नहीं था। वो किलर अब भी बाहर खड़ा है, लेकिन वो अंदर नहीं आ रहा, शायद इसलिए क्योंकि बिना कार्ड के दरवाजा नहीं खुलता। अंदर आने के लिए कार्ड होना जरूरी है, या फिर अंदर से ही कोई दरवाजा खोले। आपको बता दूं कि इस किलर ने सेम वही कपड़े पहने हैं जो कि अर्बन लेजेंड में किलर ने पहने थे। वो जाकर उनकी कार में कुछ छेड़छाड़ कर रहा था, इसके बाद ट्रंक में से वो एक टूल निकालता है और साथ में टूल बॉक्स भी। उसे लेकर वो चल देता है एटीएम के पीछे, और पीछे जाकर उसने एटीएम का हीटर बंद कर दिया ताकि तीनों सर्दी से मर जाएं, क्योंकि बाहर तो वो आ नहीं रहे। इस सब के बाद तो वो और ज्यादा पैनिक करने लगे थे, और ये सब रिकॉर्ड हो रहा है अंदर लगे कैमरा में। फिर तभी उन्हें दिखाई देती एक पुलिस कार, वो तीनों गला फाड़ कर चिल्ला रहे थे, लेकिन बिना उन्हें देखे ही वो कार वहां से चली गई। ठंड की वजह से ऑलरेडी उनकी हालत खराब होने लगी। अब डेविड अपने अकाउंट से सारे पैसे निकाल लेता है किलर से डील करने के लिए। एमिली देती है अपनी ज्वेलरी और कोरी देता है अपनी वॉच, क्योंकि पैसे वो निकाल नहीं सकता, और यही वजह है कि उनमें आपस में भी फूट पड़ रही है। उन्हें यह भी डर है कि कहीं वो एक से ज्यादा ना हो, क्या पता बाहर उसके साथी भी हों। खैर, डरते हुए ये सब सामान लेकर वो किलर के सामने जाता है और कहता है कि ये सब रख लो, लेकिन हमें जाने दो। किलर आगे नहीं बढ़ता, तो वो सामान उसके सामने फेंक देता है, और जैसे ही वो उसे उठाने वाला था, डेविड भागकर पहुंच जाता है कार तक। वो कार लेकर वहां से निकलने वाला था, लेकिन तभी वो देखता है कि उसके इग्निशन वायर्स मैस्ड अप हैं। ये काम किया उस किलर ने। ये प्लान तो फेल हो गया, इसलिए वो जल्दी से एमिली का फोन निकालकर पुलिस को कॉल कर रहा था, लेकिन तभी वो किलर वहां पहुंचकर उसे पकड़ लेता है। अपना कोट उसके पास छोड़कर वो बचकर निकल जाता है और जल्दी से भागकर पहुंच जाता है एटीएम में। लेकिन एमिली का फोन वहीं पर गिर गया, और अब इसके पास कोट भी नहीं है, यानी कि सर्दी में इसकी हालत और ज्यादा खराब होगी। उनका दिया सामान और फोन उठाकर किलर ने कार में ही फेंक दिया, यानी कि पैसे उसे नहीं चाहिए। अब वो एकदम हेल्पलेस हो गए थे। तब एमिली अपने लिपस्टिक से ग्लास पर हेल्प लिख देती है ताकि आने जाने वाला कोई तो उन्हें देख ले, और ये काम इसने काफी सही किया। वो दोनों पीछे की वॉल तोड़कर निकलने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन पीछे था सीमेंट।
तब एमिली डेविड का कार्ड लेती है और उसके पिन को उल्टा एंटर करती है। उसका कहना था कि अगर उल्टा पिन एंटर करो तो एटीएम सीधा मैसेज भेजता है पुलिस के पास और इससे ज्यादा बड़ा अर्बन लेजेंड और क्या होगा। हम सभी को ये बात पता है और हम में से कई इसे सच भी मानते हैं, लेकिन ये बस एक मिथ है। यकीन नहीं आता तो एमिली से पूछ लो। वो सब अपनी बहस में लगे हुए थे और इसी बीच डेविड का कार्ड मशीन ने कलेक्ट कर लिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो किलर इनके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। कोरी डेविड को कहता है कि कहीं ये वही आदमी तो नहीं जिसके पैसे तुम्हारी वजह से डूब गए। डेविड कहता है कि ऐसा नहीं है क्योंकि वो आदमी है 60 साल का, और ब्लेम भी कोरी कर रहा है जिसकी वजह से ये तीनों फंसे हैं। खैर ये बहस करने का टाइम नहीं है। वो तीनों एक दूसरे के हाथ रब कर रहे थे तभी वो पुलिस कार फिर से वहां पर आती है, लेकिन उसके अंदर था एक सिक्योरिटी गार्ड, यानी कि उसके पास गन नहीं होगी। डेविड की कार की हालत देखकर वो रुक गया। ये तीनों चिल्ला चिल्ला कर उसे वार्न कर रहे थे, लेकिन इतने में वो कुछ समझ पाता, वो किलर उसे भी मार देता है उसका भी हेड क्रश करके। अब एमिली का दिमाग खराब होता जा रहा है, उल्टी सीधी बातें कर रही थी। ये दोनों सोच रहे थे कि क्या करें, तभी वो किलर अंदर आ जाता है, लेकिन ये दोनों भी पीछे नहीं हटते। दोनों मिलकर उस पर टूट पड़े और मिलकर दोनों ने उसे काबू कर लिया। तब डेविड एक चेन से उसका गला घोट कर उसे जान से मार देता है। अब ये चेन से जी पाएंगे ऐसा उन्हें लग रहा था। अचानक वो तीनों सुन हो गए थे क्योंकि किलर तो सही सलामत बाहर खड़ा है। फिर इन लोगों ने किसे मार डाला। आईडी चेक करने पर पता चलता है कि उसका नाम था हैरल्ड और वो था एक जेनेटर। वो बस अपने काम पर जाने से पहले यहाँ पर आया था पैसे निकालने के लिए, लेकिन गलती से किलर समझ के इन्होंने उसे मार डाला, या फिर ये कहूँ कि सिर्फ डेविड ने। अब वो खुद को माफ नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसके बीवी बच्चे भी थे। किलर तो आराम से बैकडोर पर कुछ कर रहा है। अब ठंड बढ़ती जा रही थी इसलिए कोरी उस आदमी की जैकेट उतार कर पहन लेता है जबकि पहननी चाहिए थी डेविड को। वो कोरी को कहता है कि ये सब तुम्हारी गलती है, ना तुम हमारे साथ आते, ना हम एटीएम पर रुकते और ना ही ऐसे फंसते। तब कोरी कहता है कि गलती तुम्हारी है, तुमने ही इस आदमी को मारा। बस ये सुनते उन दोनों में लड़ाई हो जाती है और ये तो होना ही था, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है कैमरा में। कोरी कहता है कि बस बहुत हो गया, अब मैं और यहाँ नहीं रुकूंगा। वो दोनों से काफी रोकते हैं लेकिन वो नहीं रुकता। बाहर निकल कर वो सीधा भाग रहा था, लेकिन अचानक वो बुरी तरह गिर जाता है क्योंकि वहां पर किलर ने लगा रखी थी मेटल वायर। अब वो किलर उसकी तरफ बढ़ रहा था और ये देखकर डेविड कोरी को बचाने जा रहा था, लेकिन एमिली उसे जाने नहीं देती। तब वो उसे अंदर धकेल देता है और ये भी रिकॉर्ड हो गया। अब इससे पहले कि वो कोरी के पास जाता, किलर ने उसे स्टैब करके मार दिया, या उसका इकलौता दोस्त भी मारा गया। अब बचे हैं ये दोनों और किलर अब भी बैकडोर पर लगा है। डेविड कहता है कि ये मेरी गलती है, अगर मैं तुम्हें टैक्सी में ही जाने देता तो तुम अपने घर होती, लेकिन ये कोई लॉजिक नहीं बनता। अगर ऐसे देखा जाए तो अगर ये पार्टी के लिए नहीं रुकता तब तो ये तीनों ही बच जाते, या फिर आज ये ऑफिस आता ही ना, या फिर ये इस कंपनी को ज्वाइन ही ना करता, या फिर ये पैदा ही ना होता, फिर तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। इन बातों में कुछ नहीं रखा, ये घबराने का नहीं बल्कि समझदारी दिखाने का टाइम है। किलर अपने काम में लगा हुआ था तभी वो देखते हैं कि कोरी अब भी जिंदा है। वो जल्दी से बाहर जाते हैं और उसे वापस अंदर ले आते हैं। कोरी की हालत काफी ज्यादा खराब है, इन्हें हॉस्पिटल जाना होगा, लेकिन अब चाहते हुए भी ये नहीं जा पाएंगे क्योंकि किलर ने दरवाजा ब्लॉक कर दिया डेविड की कार से। डेविड एटीएम पर वार कर रहा था ताकि वो पुलिस को सिग्नल भेज दे, लेकिन ऐसा भी नहीं होता। इनके हालात वर्स करने के लिए किलर ने ठंडा पानी अंदर छोड़ दिया ताकि अब तो ये सर्दी से मरी जाएं। सबसे पहले तो वो कोरी को बचाने का ट्राई कर रहे थे लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाते। तब डेविड को उस जैकेट में से मिलता है एक लाइटर, जिसका यूज करके वो फायर अलार्म को ट्रिगर करेंगे और पुलिस यहाँ पर आ जाएगी, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होगा। काफी ट्राई करने के बाद भी बात नहीं बनती, तब वो एक डस्टबिन में सारे पेपर्स डालकर आग लगा देते हैं, लेकिन इससे भी बात नहीं बनती। तब डेविड एमिली को अपने कंधे पर बैठा लेता है और ये सब वो किलर देख रहा है आराम से चेयर पर बैठकर। इस बार काम बन गया, अलार्म ट्रिगर हो गया, लेकिन कोरी तो कब का मर चुका। इस बात से अनजान वो दोनों ही काफी खुश थे। तभी डेविड का पैर फिसल जाता है जिस वजह से वो दोनों गिर जाते हैं और एमिली का सर लगता है एक स्लैब पर। गर्दन टूटने से वो भी मारी गई। अब तो ये कभी खुद को माफ नहीं कर पाएगा। अभी ऑलमोस्ट फ्री हो ही गए थे और एमिली सही सलामत अपने घर चली जाती, लेकिन घर जाना उसकी किस्मत में था ही नहीं। आज सुबह जब वो घर से निकली तो वो आखिरी बार था। अभी डेविड गम में था तभी वो किलर पुलिस कार को उसकी कार में ठोक देता है, जिससे आगे का पूरा ढांचा टूट गया। अब खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा इसलिए वो कोरी की बोतल उठाकर उसे बना लेता है मोलोटो। उसे वो सीधा फेंकता है किलर के ऊपर और वो जलने लगा, लेकिन ध्यान से देखने पर उसे पता चलता है कि वो तो बॉडी है सिक्योरिटी गार्ड की। किलर तो दूर खड़ा है। अब किलर उसकी तरफ बढ़ने वाला था कि तभी वहां पर आ जाती है पुलिस, और पुलिस को देखकर वो छुप गया। पुलिस डेविड को पकड़ कर ले जाती है और वो देखता है कि किलर अभी वहीं पर खड़ा है भीड़ में। अब आपको लग रहा होगा कि डेविड अपने घर चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, बल्कि वो तो जेल में सड़ेगा, क्योंकि जैसे इवेंट्स आपने देखे पुलिस के नजरिए में वैसा कुछ भी नहीं हुआ। कैमरा फुटेज निकालने पर पुलिस को पता चला कि वहां कोई किलर था ही नहीं बल्कि डेविड ही किलर है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। पहली बात तो किलर एटीएम में आया नहीं, वो एक अच्छी खासी दूरी पर खड़ा था। जब डेविड उसे सामान दे रहा था तब भी वो आगे नहीं आया।
और पुलिस के हिसाब से इवेंट्स ऐसे हुए कि पहले तीनों एटीएम में आए, फिर अचानक पैनिक शुरू हुआ मोस्टली डेविड का। फिर डेविड और कोरी ने मिलकर तोड़फोड़ की। इसके बाद इन दोनों ने मिलकर एक बेकसूर आदमी को मार डाला। इसके बाद इन दोनों में झगड़ा हुआ। फिर कोरी बाहर गया, डेविड उसके पीछे जा रहा था। एमिली ने उसे रोका तो एमिली को उसने धकेल दिया। फिर ये दोनों बाहर गए और कोरी को अंदर लेकर आए जख्मी हालत में। यानी कि पुलिस के नजरिए से बाहर जाकर इन दोनों ने ही कोरी पर अटैक किया क्योंकि वो भागना चाहता था। फिर ये उसे दोबारा अंदर ले आए। इसके बाद डेविड ने दोबारा तोड़फोड़ की जिस वजह से वो कैमरा खराब हो गया। इसके बाद जो भी हुआ वो पुलिस नहीं देख पाएगी, लेकिन जितना देखा उतना काफी है डिसाइड करने के लिए कि डेविड ने ही इन सबको मारा, उस गार्ड और उस डॉग वाले आदमी को भी। एक तो उसके दोस्त मारे गए, ऊपर से उनके मर्डर के इल्जाम में वो जेल में सड़ेगा और ऐसे ही सोच सोच कर पागल हो जाएगा क्योंकि इसकी कोई सुनेगा नहीं। किलर ने बड़े शातिर तरीके से सब कुछ प्लान किया था। वो अपने ठिकाने पर वापस जाता है और हम देख पाते हैं कितनी बारीकी से उसने सब कुछ प्लान किया था। हर एक कैमरा के बारे में उसे खबर थी, उसकी क्या रेंज है, कहाँ तक वो कवर करेगा, ये सब। काफी टाइम तक उसने रिसर्च की थी सिर्फ इस रात के लिए, लेकिन इसकी उन सबसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी। अगर उनकी जगह कोई और होता तो वो भी मारा जाता। उनकी किस्मत खराब थी जो वो गलत टाइम पर गलत जगह पहुंच गए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ और भी एटीएम्स के प्लान तैयार हैं जहाँ ये फ्यूचर में अटैक करेगा। इतना दिमाग लगा कि ये रैंडमली लोगों को मार रहा है और ये सबसे खौफनाक बात है क्योंकि ये पकड़ा नहीं जाएगा, ब्लेम आएगा विक्टिम के ऊपर। इसी के साथ ये मूवी एंड हो गई। तो नाम और पोस्टर से लगता है कि ये कोई एवरेज स्लैशर होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये काफी थ्रिलिंग है और काफी स्मार्ट भी। इतना कुछ तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। इसमें काफी मॉडर्न मिथ भी शामिल किए गए जो कि मुझे तो काफी सही लगा। और एक मोटिवलेस किलर दिखाना जो इतना हार्ड वर्क करता है सिर्फ कुछ देर के फन के लिए और इस फन में वो कईयों की जान ले लेता है, ये मोटिव वाले किलर से ज्यादा खौफनाक है। ओवरऑल मूवी की बात करें तो इसमें काफी थ्रिल था, लेकिन एंड वाले ट्विस्ट ने इसमें और ज्यादा थ्रिल ऐड कर दिया। उसका योगदान एक्स्ट्रा है और काफी मेन भी। उसके बिना शायद ये नॉर्मल लगती अगर किलर पकड़ा जाता और डेविड को इंसाफ मिलता, लेकिन उस एक ट्विस्ट ने काफी कुछ बदल दिया। एक मैसेज जो इसमें था वो ये कि लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, क्या पता कब क्या हो जाए। कल एमिली एक नई जॉब ज्वाइन करने वाली थी लेकिन उसके लिए कल आया ही नहीं। तो बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। इसका बजट था $3 मिलियन और इसने कमाए थे $1 मिलियन क्योंकि ये काफी अजीब तरीके से रिलीज हुई। पहले रिलीज हुई स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर और उसके एक महीने बाद कुछ गिने चुने थिएटर्स में रिलीज हुई, वो भी लिमिटेड टाइम के लिए। इस मूवी के लिए स्पेशली उस एटीएम को बनाया गया था। किलर के डेस्क पर जो मैप था वो रॉकफोर्ड इलिनॉइस का था। डैनियल पेनाबेकर इसमें लीड रोल में होंगी ऐसे रूमर्स थे, लेकिन असल में लीड रोल में होने वाली थी मार्गरेटा लेविवा। इसकी शूटिंग हुई थी कनाडा में और से 20 दिनों के अंदर ही शूट कर लिया गया था मोस्टली सीक्वेंस वाइज। पहली फिल्म जिसके लिए डेविड ब्रुक्स ने पूरा स्टोरी बोर्ड तैयार किया था। तो ये थे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आए तो उसे एक लाइक जरूर करना, वो बहुत जरूरी है मोटिवेशन के लिए। और साथ ही आप कमेंट करके ये बताओ कि आपको ये मूवी कैसे लगी, क्या आपने यही एक्सपेक्ट किया था या फिर कुछ और जैसे कि मारकाट वगैरह, कमेंट करके बता देना। और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपको स्टॉक कर सके। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।